उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा सचिव व जिले के प्रभारी सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम आज पौड़ी दौरे पर हैं। इस दौरान शिक्षा सचिव ने सरकारी स्कूलों में चल रही वर्चुअल क्लासेस का जायजा लेकर ये जानने का प्रयास किया कि वर्चुअल क्लास छात्रों के पठन पाठन में कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। शिक्षा सचिव ने राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी और खोलाचौरी का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि वर्चुअल क्लास उन स्कूलों के लिए खास तौर पर कारगर सिद्ध हो रही है जो स्कूल पूर्व से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही क्लास बेहतर परिणाम भी देगी। विद्यालय शिक्षा सचिव ने बताया कि वर्चुअल क्लासेस का लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है जिससे छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं अब नजदीक हैं, ऐसे में छात्रों का सिलेबस भी वर्चुअल कॉल्स के जरिए पूरा करवाया जा रहा है जिससे स्कूल का परिणाम शत प्रतिशत रहे। उसकी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, मैं देखा ऑडियो वीडियो दोनों बहुत अच्छे आ रहे हैं। बाकी जो लेसन पढ़ाया जा रहा है वो कितना उपयोगी है वो बच्चों से पूछेंगे तभी मालूम पड़ेगा। वर्चुअल क्लासेस उन स्कूलों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जहाँ टीचर नहीं है। उत्तराखंड में अनफॉर्चुनेटली कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें एक आध इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं हैं, उनको कुछ इनपुट्स मिल जाता है। मोर ओवर इस प्लेटफॉर्म में टू वे इंटरेक्शन भी संभव है, बच्चों को अगर डाउट भी पूछना हो तो भी कर सकते हैं। बाकी जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ टीचर होगा जो पढ़ाते हैं तो उतना ही वो उपयोगी होता है, तो उसका फीडबैक लिया जाएगा। अगर कोई टीचर अच्छा है तो कंटिन्यू कराया जाएगा, अगर बच्चों के हिसाब से वो अच्छा नहीं है, उनके पढ़ाने का तरीका उनको पसंद नहीं आ रहा है तो हम टीचर्स को चेंज भी करेंगे। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट। वही दो मोड अब 10 लीटर मिलियन।